गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें आपने कूलम्स लॉ पढ़ लिया था, चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज, चार्जिंग और वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया था। आज का पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से है, किस तरह से बनता है। आपको मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी बताई थी, सबको याद भी होगा, जनरल सी बात है, सबको पता होता है ये कि प्लस प्लस अगर चार्ज किसी सिस्टम में है, या माइनस माइनस चार्ज किसी सिस्टम में अगर है, या फिर बोले कि सिमिलर चार्ज अगर कहीं है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। और अगर कहीं अपोजिट चार्ज है प्लस माइनस, तो यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई होता है। तो ये फोर्स जो है वो कैसे लग रहा है इनके बीच में, उस फोर्स का सारा रीजन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। देखिए किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके काम आएगा। तो मैंने एक चार्ज लिया है, जो क्यों पॉसिबल है, ये पॉजिटिव नेचर का हो या नेगेटिव नेचर का हो, मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव नेचर का ले लिया है। ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज जो है वो अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट शो करेगा। इफेक्ट शो करने का मतलब ये है कि इस फील्ड में अगर आपको दूसरा चार्ज पॉजिटिव लाएं या नेगेटिव लाएं, तो यहाँ पर तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा और यहाँ पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स इन चार्जेस को फील हो रहा है, ये इस फील्ड में आने के बाद फील हो रहा है, और इस फील्ड का नाम यहाँ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बनेगा, व्हेन टेस्ट चार्ज प्लेस नियर टू अनदर चार्ज, देन दिस चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, देन दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर आप इसका दूसरा डेफिनेशन बनाएं तो वो इस तरह से बनेगा कि चार्ज के सराउंड का जो एरिया होता है, जहाँ पर चार्ज अपना इफेक्ट शो करता है या फोर्स अप्लाई करता है, उस फील्ड को भी आप बोल सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक पॉइंट और पढ़ा जाता है, वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इंटेंसिटी का मीन क्या है। इंटेंसिटी का मीन है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, ऑब्जेक्ट ए, इस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है 7 न्यूटन, यहां से अप्लाई हो रहा है 20 न्यूटन, और यहां थर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है 30 न्यूटन। तो सबसे ज्यादा अमाउंट जो फोर्स का है वो 30 न्यूटन है, ये सबसे कम अमाउंट है 7 न्यूटन, इससे ग्रेटर अमाउंट है 20 न्यूटन। तो इस एरिया में जितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है वो इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर देखें तो वो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, जैसे कि मैं इस चार्ज को यहाँ लेके आया कहीं दूसरी जगह से, तो इस चार्ज ने इस फील्ड से कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, इस फोर्स को भी आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, यहाँ इसके डेफिनेशन बनाने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आप शो करते हैं ई से, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फॉर्मूला होगा एफ ऑन टू नॉट। एफ है फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और क्यू नॉट यहां पे है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में आपको मैंने पीछे वाले पॉइंट में बता दिया था कि इसका अमाउंट कम होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। अब देखें आगे, लेट क्यू नॉट इक्वल्स टू 1, क्यू नॉट की वैल्यू आपने जैसे ही 1 पुट करी, तो यहाँ से जो E वेक्टर है वो इक्वल हो जाएगा F के। तो यहाँ से बच्चों देखो डेफिनेशन बनेगी इसकी, व्हेन ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज प्लेस नियर टू ए चार्ज, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या उसे डेफिनेशन बनाए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स को ही आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको डिनोट करते हैं बच्चों ई से, वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो आएगा ई वेक्टर। अब देखिए, इसका यूनिट एंड डायमेंशन पता करेंगे यहाँ से, तो फॉर्मूला आपके पास है फोर्स अपॉन चार्ज, तो यहाँ आएगा एफ अपॉन यू नॉट। फोर्स का यूनिट होता है
न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम्ब। या इसका एक दूसरा यूनिट भी होता है जो आपको अगले चैप्टर में समझ में आएगा, वोल्ट इनटू मीटर। तो दोनों यूनिट इसके हो सकते हैं और ये दोनों ही यूनिट हैं। ऐसा ही है एमकेएस सिस्टम के हो सकते हैं। अब इसका अगर सीजीएस सिस्टम यूनिट का लेंगे, देखिए न्यूटन की जगह तो आप डाइन काम में ले लेंगे और कूलम्ब की जगह पे आप स्टेट कूलम्ब काम में ले लेंगे। तो डाइन अपॉन स्टेट कूलम्ब इसका यूनिट हो जाएगा। अब देखिए इसका डायमेंशन किस तरह से निकाला जाएगा। डायमेंशन देखिए फॉर्मूला आपके पास है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स के लिए डायमेंशन होता है m1 l1 t-2। चार्ज के लिए डायमेंशन होता है a1 t1। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो सारे पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो आएगा m1 l1 t-2 और इसके साथ में आएगा a-1 एंड t-1। फाइनली आपके पास वैल्यू बचेगी m1 l1 t-3 एंड a-1। ये डायमेंशन फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। जनरली आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम ही क्वांटिटीज होती हैं। अब देखिए इसमें डायरेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन के लिए सीधा सा रूल आपके पास है, अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है और अगर कहीं पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसमें डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होती है। तो ये सिंपली दो रूल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होगी। और अगर आपके पास कोई इस तरह का सिस्टम गिवन है जहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ही हैं तो आप इसकी डायरेक्शन इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों डायरेक्शन जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। डायरेक्शन हमेशा सेम होगी पर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पर अगर कहीं ऐसा हो कि एक ही पॉइंट पे बहुत सारी डायरेक्शन आ जाए तो आपको यहां पर वेक्टर एडिशन करना है। उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं आपकी बुक में, इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी एंड सी और इसके हर पॉइंट पे चार्ज है क्यू पॉजिटिव और आपको ये पूछा है कि किसी एक साइड पर इंटेंसिटी का अमाउंट कितना होगा। तो कोई भी साइड ले ले, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वली होती हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि सी पे निकालनी है मेरे को, तो बी से सी की तरफ इंटेंसिटी आएगी और ए से सी की तरफ इंटेंसिटी आएगी। तो एक इंटेंसिटी को मैं यहाँ एज्यूम कर लूंगा E1, सेकंड वाले को एज्यूम करेंगे E2 और वेक्टर क्वांटिटीज दोनों होती हैं। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो किस तरह से निकालेंगे, देखो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज होंगे। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लो आपको लगाना पड़ेगा, 11th क्लास में मैथमेटिकल फॉर्मूलेज में पढ़ाया हुआ है आपको काफी बार कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज एक ही पॉइंट पर वर्क कर रही हैं तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगाया जाता है। तो पैरेललोग्राम लॉ अगर आप अप्लाई करें तो ये होता है r√p2+q2+2pq cos θ। थीटा यहाँ पे वो एंगल होगा जो पी और क्यू के बीच में होगा। तो यहाँ देखिए आपको इस एंगल को फाइंड करना हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होके ये भी 60 डिग्री का एंगल ही हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा आपके सामने आ गया 60 डिग्री। तो फॉर्मूला अप्लाई करें, ई वेक्टर इक्वल टू रूट ऑफ E1 वेक्टर स्क्वायर प्लस E2 वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 E1 वेक्टर E2 वेक्टर cos थीटा। और थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है
तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। तो यहां से वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे हम तो आएगा e cos 2 रूट ऑफ e1 वेक्टर स्क्वायर प्लस e2 वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 e1 वेक्टर e2 वेक्टर और इनटू 1 by 2 वो से 2 कैंसिल आउट हुआ और वैल्यू बची e cos 2 e1 वेक्टर स्क्वायर प्लस e2 वेक्टर स्क्वायर प्लस e1 e2। और इक्वल इंटर ट्रायंगल में डिस्टेंस सारी इक्वल है, चार्ज आपको इक्वल दिए हुए हैं, तो यहां से आप देखेंगे कि e1 का जो मैग्नीट्यूड है वो e2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो वैल्यू जहां पुट करेंगे आप e1 या e2 दोनों को इक्वल करेंगे तो आएगा e1 वेक्टर स्क्वायर प्लस e2 की जगह लिख देता हूं e1 वेक्टर स्क्वायर प्लस e1 वेक्टर एंड e1 वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू बनेगी रूट ऑफ e1 वेक्टर स्क्वायर प्लस e1 वेक्टर स्क्वायर प्लस e1 वेक्टर स्क्वायर, और तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 3e1 वेक्टर स्क्वायर का रूट, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो e की वैल्यू बनेगी रूट 3 इंटू e1 वेक्टर। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब आपको एक ही पॉइंट पे बहुत सारी इंटेंसिटीज दी हुई होती हैं तो इस तरह से उसको निकालेंगे आप। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई सिस्टम ऐसा हो वहां पे आपको मोर देन 2 चार्ज दिए हुए हो, तो वहां पे इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको एक पॉइंट काम में लेना पड़ेगा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जैसे कि आपको कोर्स में भी पढ़ाया हुआ है पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। तो देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कहाँ करना है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे Q1, Q2, Q3, डैश 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 Qn चार्ज हो, बहुत सारे चार्ज हो, तो आपको यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 अज्यूम करना पड़ेगा। और इसके लिए जो डिस्टेंस आपको या फिर पोजिशन वेक्टर्स आपको गिवन होंगे R01, R02, सिमिलरली R0n वेक्टर। तो यहाँ अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो सबके लिए अलग अलग इंटेंसिटीज निकालने हैं, जैसे ये होगा E01, E02 एंड सो ऑन E0। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको बताता है कि अगर ऐसा सिस्टम आए जिसमें मोर देन टू चार्जेस हो तो टेस्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आएगी वो होगी E01 वेक्टर प्लस E02 वेक्टर प्लस जितनी भी इंटेंसिटीज आपके पास है सबका आप यहां पे वेक्टर एडिशन करेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एलजेब्रिक सम आपको कभी नहीं करना होता है, यहां पे हमेशा आप इसका वेक्टर एडिशन ही काम में लेंगे। तो ये होता है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, या फिर अगर कोई सिस्टम वेरिएबल हो तो उसके लिए किस तरह से आप इंटेंसिटी निकालेंगे। तो अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
इसके लिए आपको एक सिस्टम अज्यूम करना पड़ेगा। तो सिस्टम मैंने लिया है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ लिया है क्यू, और ओरिजिन पे मैंने टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लिया है क्यू नॉट, और ये जो डिस्टेंस है इसको अज्यूम कर लिया है आर। तो इसके लिए आपको इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसको आपको देखो एग्जाम इस तरह से लिखना है, लेट अस अज्यूम ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड इन ए सिस्टम हैविंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट ओरिजिन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल आर। अब आपको यहां पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे डी इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एफ यहाँ पे फोर्स है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको आप कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, और फोर्स की वैल्यू यहाँ से आएगी कूलम्ब लॉ से एफ इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन टू को आप अप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो वैल्यू आपके पास आएगी E इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और E की वैल्यू बचेगी आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें आप, तो E वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर वेक्टर स्क्वायर एंड आर क्या है, यह है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कई बार इसमें वेरिएशन आपको पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ से के कांस्टेंट है, डिपेंड जो करेगा वो आर पे करेगा, तो आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन ई एंड आर। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके लिए, यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगी, यहाँ पे आर डिस्टेंस है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, तो ये रिलेशन इसमें आएगा E is proportional to 1 upon R square। और अगर दूसरा रिलेशन आप देखें E and 1 upon R square के लिए, देखिए ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा इसका, E and 1 upon R square, यहां से आप देखेंगे कि 1 upon R square के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये रिलेशन आ जाएगा E is proportional to 1 upon R square। तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के लिए देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह से दिया हुआ होगा, कि मान लो कि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल है कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके लिए चार्ज लेना है और डिस्टेंस काम में ले लेनी है। तो ये हुआ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसके लिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल में इस डेरिवेशन की कोई भी स्टेप काम में आपके आ सकती है, तो एक सिंपल न्यूमेरिकल है कि बुक में भी दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एटम आपने लिया, तो हाइड्रोजन एटम के लिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और ये ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी है, तो इसके लिए देखो क्यू चार्ज निकालना पड़ेगा, तो चार्ज यहाँ से आएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और ये जो डिस्टेंस आपको दी हुई है यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू की वैल्यू होगी यहाँ पे 1.6 into 10 to power minus 19, और r square जब करेंगे तो 10 to power minus 10 का whole square, तो finally value देखो आपके पास आएगी
9 इंटू 1.6 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 10 और ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 20। ये वैल्यू ऊपर जब जाएगी तो आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 10 टू पावर प्लस 20। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर प्लस 10। ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में निकलेगी। इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं।